सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज एक बार फिर से गुजरात से भाई साहब पहुँचे अपने पास अहमदाबाद से, जिन्होंने 6 भैंसे ली है जी। बहुत बढ़िया जो भैंसे ली हैं, लगभग 15 लीटर प्लस की भैंस जो लेके जा रहे हैं। तो भाई साहब इधर आओ आप एक बार। तो नमस्कार भाई साहब। राम भाई साहब। नाम क्या अपना? पराग पटेल। पराग पटेल, तो जगह कौन सी आपकी गुजरात में? हमारा गुजरात के अहमदाबाद के बाजू में बारेजा गाँव है। बारेजा गाँव है। कब आए थे भाई साहब आप? कल दोपहर को। कितना भैंस लिया आपने? अपने 6 भैंस लिया है। 6 भैंस लिया है। दूध कितने टाइम देखा भैंसों का आपने? दो टाइम। जो मालिक ने बताया उतना निकला है, नहीं निकला? आराम से निकला, उससे ज्यादा निकला। तो कोई धोखा हुआ आपके साथ? नहीं, कोई नहीं। कोई जबरदस्ती करी हो भाई साहब हमने? बिल्कुल जैसा सोच के आए थे वैसा मिला नहीं मिला? अभी तो दोबारा आने को मन कर रहा है हफ्ते के बाद में। अच्छा, रहने खाने पीने में कोई दिक्कत भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। जो बाहर से भाई आते हैं, डरते बहुत हरियाणा में आने के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे आपकी जो गुजराती में? दस बार आओ। आ जाओ। काम कैसा लगा अपना भाई साहब? काम एकदम पक्का काम है। पक्का बिल्कुल, कोई धोखाधड़ी नहीं है, सब चीज अच्छी। अच्छा, आपके दाम में मिल जाएगी? दाम में बिल्कुल। तो कितने बेस्ट लोगे? वैसा रेट लेगा। ये जो दो जोड़ी देख पा रहे हो सामने आप, कितने का लिया भाई साहब दोनों? ये अपना दोनों मिला के अपने को 2,55 शुरू में लिया था, 2,55 की, 2,55,000 रुपए की। ये देखिए जी, दोनों जो भैंसे ली है 2,55,000 रुपए की जोड़ी ली है, ले चल सामने। बहुत जबरदस्त क्वालिटी की दोनों भैंस है जी। एक दूसरे ब्यांत की है, एक तीसरे ब्यांत की, चौथी की भी हो सकती है देखो। लेकिन दूध की जो हम बात करें, लगभग वो भैंस तो 20 लीटर निकाल दे तो भी कम है। और इस झोटी में अभी मौके पे 15-16 किलो चालू दूध है बिल्कुल। और ये अभी ताज़ी ब्याई है जी, ये जो भैंस देख पा रहे हैं ये ताज़ी ब्याई है, ये इनके बच्चे हैं जी। भाई साहब कोई नहीं, आ पाऊँ। भैंस बताओ कितने कितने का लिए? ये कितने का लिया जो गाँव से लिया? 1,22,000 रुपये का। 1,22,000। बोले सर खोली भैंस एक भैंस ने 1,22,000 रुपये की भैंस ली है जी। पूंछ थोड़ा सा देखो आधा है, लेकिन दूध की हम बात करें भैंस में अभी भी मौके पे 14 अभी तैयार है ना। और ये बच्चा जी कितने दिन का बच्चा आप अंदाज लगा ले? 19-20 लीटर दूध की भैंस है जी। बहुत भारी भैंस है, पुराने ज़माने की भैंस है जी, ब्रीडिंग के लायक है। तो ये भाई साहब गुजरात से पहुँचे अपने पास अहमदाबाद से। तो 3 भैंस ये होगी है। ये कितने का लिए भाई साहब आगे वाली? 1,35 का। 1,35,000 रुपये की ये झोटी ली है जी। हाइट देखें झोटी की कितनी है ये देखें। और अभी दूध कितना देखा भाई साहब इस चीज़ में? दूध कितना था? 6.5 लीटर। 13 लीटर चालू दूध है, ताज़ी भी आई है जी, 13 लीटर चालू दूध है। और इन दोनों में कितना कितना दूध है भाई साहब? चिक से खाली किया है। कितना दूध देखा इसमें आपने? 5 लीटर शाम को बिल्कुल खाली करके। और उस एक नंबर वाली का इसमें कितना दूध है? 6 लीटर दूध है शाम को खाली करके। 6 लीटर ये देखिए जी जो भैंसे हैं, देख टाइम का 6 लीटर बता रहे हैं भाई साहब। 12 लीटर दूध उस बच्चे पे तैयार है जी। और देखने वाले भाई भी अंदाज लगाने भी कितने दूध की जो भैंस है। कितने की जोड़ी ली भाई साहब ये लास्ट वाली आपने? 2,53 की। 2,53,000 रुपये की जोड़ी ली है जी। तो भाइयों से ही पूछ रहे हैं भाई किस किस भाव में ली है। देखो हम ऊपर नीचे भी रेट कर देते हैं, लेकिन जो लेने वाले भाई हैं उनसे ही हम भाई सोचते होंगे ये भाई जो ऊपर नीचे कर देते होंगे रेट, तो इनसे ही खुद बुलवा रहे हैं भाई कितने कितने का जो भैंस लिया। तो अभी भाई साहब अपने पास वो झांसी से पहुँचे हैं प्रयागराज से। तो भाई साहब गाड़ी लेके आए थे आप? हमारी बाहर कार लेके आए। गाड़ी लेके आए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? आते कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा, हमारे गुजरात से जो व्यवहार होता है सब उससे अच्छा यहाँ पे व्यवहार? बढ़िया बिल्कुल, खाने पीने में घूमने घुमाने में। अच्छा, तो कितनी पैसे देखी अंदाजन घूम फिर के? हमने करीबन कल दोपहर को आए थे, लगभग 30-40 भैंसे दी, उसमें से 6 पसंद किया। 6 पसंद किया। अभी सीजन है भाई साहब, अच्छी भैंस मिल रही है, देखो मिल जाती है। अच्छा भैया, मैं तो सबको बोलता हूँ आओ यहाँ पे। अच्छा, नहीं लेनी है मत लो। अच्छा, एक बार आके जाओ। ठीक है जी, नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम पराग पटेल है, गुजरात में अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर बरेजा गाँव है। बरेजा गाँव है अहमदाबाद से 20 किलोमीटर। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप राजगढ़ फार्म पे पहुंचे। तो ये देखें जी इनकी जो गाड़ी है वो भी अभी आई हुई है। तो ये भाई साहब पहुंचे अपने पास गुजरात से अहमदाबाद से। तो हर भैंस का जो रेट बताया जी, भैंस कैसी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। झांसी से भी भाई साहब पहुंचे अपने पास, और अंदर जो भैंसे बंधी हुई है वो भी दिखाएंगे, पीछे भैंसे बंधी हुई है वो भी दिखा देते हैं हम भाइयों को। तो जितने भाई साहब अपने पास में आ रहे जी उनसे आपकी बात करवा रहे हैं,
और रिव्यू ले रहे हैं अभी कैसर का इनको इधर आके, भाई कोई फंसाने वाला काम तो ना हुआ हो। ये 20 भैंस आएगी अपनी सांगली महाराष्ट्र में, 10 जाएगी अपनी तेलंगाना में, 9 भैंस और 1 पुल जाएगा अपना तेलंगाना में, तेलंगाना में निर्मल। तो ये जो भैंसे देखें वो भाई साहब आए हुए अपने पास प्रयागराज से, अगली वीडियो लेके आएंगे उन भाइयों के साथ में भी। तो कैसी लगी भैंसे, इस साइड अंदर बंधी हुई है देखें। अरे बच्चे तो बांधो वकीला, बच्चे बांधो ये। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी तक के लिए सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।